Hello student, कैसे हैं? फिर आज ड्राइंग सब्जेक्ट में मैं आपको पिक्चर कंपोजिशन, जिसमें हमने पहले भी बात की थी कि पिक्चर कंपोजिशन एक ऐसा ड्राइंग है जिसमें आपको सब अरेंज करना पड़ता है। तो पिक्चर कंपोजिशन में भी मैं आपको आज एक सब्जेक्ट सिखाऊंगा जिसका नाम मैंने रखा है माय बेस्ट स्कूल। स्कूल जाकर स्टूडेंट, बरोबर। तो मैं यहाँ आपको पहले उनका ड्राइंग दिखाता हूँ, फिर इसमें हम कलर फिल करेंगे और मैं जैसा भी बैकग्राउंड इसमें बनाना चाहता हूँ वो मैं बना सकता। तो अब ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं आपका ड्राइंग बनाता हूँ, आपका ड्राइंग यानी स्टूडेंट बनाता हूँ मैं, जो आप बना सके ऐसा। और यहाँ से ये पिक्चर का जो मैंने साइज लिया है वो आपके पास जो भी ड्राइंग शीट हो उनमें आप बना सकते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ से आप सर्कल बना के यूं दो ऐसा ड्राइंग किया, फिर ये भाग में यहाँ से लेके एक दो बार ऐसा देखो, ये इसके बाल बना रहा हूँ कैसा, जैसे हम अभी वैकेशन बोले वैकेशन है, मगर इस लॉकडाउन के पीरियड में कार्टून देखते हैं सिवा डोरेमोन, बरोबर। तो उनमें जो आता है वो उसके हिसाब से मैं ये ड्राइंग आपको बना के सिखाऊंगा ताकि आप इजीली बना सकें। फिर मैं यहाँ से इसका ही बात करके इसे इसका हेयर बना देता हूँ, फिर अंदर यहाँ ये ताकि सी और ये आपको जैसा भी ये हेयर का शेप बनाना चाहिए ऐसा आप बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ से इसका ये गोल बना देता हूँ, बरोबर। फिर स्टूडेंट है तो पीछे बैक भी होगा, तो इस बैग को बनाने के लिए मैं एक लाइन यहाँ ड्राइंग कर लेता हूँ, मुझे इसका एक माप अच्छा लेना है, इसलिए ऐसा बन जाने के बाद मैं ये इसका ये कॉलर बन जाने के बाद मैं एक इसका ये नेक, फिर ये बना इसका, ये मैंने बैग बनाया है उसका कलर प्ले करूँगा तब मैं आपको उसको हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ये स्लीव है शर्ट की, फिर यहाँ से एक हाथ ऐसे मैं बना ही देता हूँ, जैसे हमने यूँ दफ्तर पकड़ा होता है। फिर इसके ये दो पत्ते इतना यहाँ, ये रही इसकी टाई, दूसरा हैंड यहाँ ये बनाया उनका मैंने स्लीव, उसके बाद यहाँ से ये रहा इसका सर जाता, बरोबर। ऐसा भाई किसी आपको एक एक लाइन देखते हुए ड्राइंग बनाते जाना है। पीली हाथ जिसमें थम, मैंने ये कार्टून के हिसाब से लिया है, इसलिए आप भी ऐसा ओरिजिनल घर बैठे बना सकेंगे।
और मुझे क्या करना है, ये इसका ले दौड़ता हुआ जैसे जाता है स्कूल जाने की बहुत जल्दी है उसे। एक पांव पीछे से ऊंचा है, दूसरा पांव यहां से ऐसे, ये बन गया आपका ड्रॉइंग। और इसकी आंखें ऐसा, फिर ये इसका नोज, ये हंसता हुआ जाता है, ऐसा एक ड्रॉइंग बनाइए आप, बराबर। फिर यहां जो हमने कहा ये स्कूल जा रहा है तो स्कूल तो होना ही चाहिए, तो मैं यहाँ मेरा स्कूल मैं जैसा भी ड्राइंग कर सकूँ जितना अच्छा मेमोरी से मैं घर बैठे अपना स्कूल ड्राइंग करूँगा। यहाँ दो बिंदु लगाई, इसके नीचे एक बिंदु ऐसी बनाई, और यहाँ फिर ये सब मैं आपको आपकी स्कूल दिखा रहा हूँ, बराबर। ये अंदर एंकर, फिर यहाँ ये रहा स्टेप, ये रहा अब मैं इसमें कांच वाली विंडोज बना देता हूँ। ऐसा है, मैंने स्कूल में ड्राइंग कर लिया जिसका वे मैं यहाँ लिखा था। उसके बाद इसके पीछे वाला जो बैकग्राउंड है उसको भी मैं बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करूँगा कि मेरी स्कूल की आजू बाजू में मैं बड़े बड़े ट्री दिखा सकता हूँ, ताकि मेरा स्कूल है वो वहाँ मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो नेचुरल हवा ऑक्सीजन मुझे मिले। ऐसा है कंपोजिशन बना के आप चित्र बनाइए, पहले देख लीजिए ऐसा ड्राइंग आपको पहले पेंसिल से ड्राइंग करना है। फिर अब आपके पास जो कोई भी कलर हो उन कलर से आपको इसमें कलर फिल करना है, तो मैं इनका शर्ट ग्रे यानी ब्लू जैसा बनाता हूँ। अब
आपको ये ड्राइंग बनाने में कौन बनाना है? खुद मैं ही हूँ, बराबर। और इसका पेन और एक ग्रे कलर जैसा, यानी मैं ग्रीन बनाता हूँ क्या? यस। फिर उनके ईयर भी, वैसे तो ब्लैक दिखते ही है मगर इनमें हमें कलर तो करना ही पड़ता है। देखिए ये हो गया। अब उसका बे जो मैंने पहले ड्राइंग करके रखा है, यहाँ पर ये दो येलो कलर्स का मैंने सेट लगाया, फिर डिजाइन वाला बेग भी होता है हमारा जिनमें मल्टी कलर्स आते हैं, और ये इसका बेल्ट है, बराबर। ये शर्ट का कॉलर, नाउ टाई, टाई वैसे तो मैं ग्रे ही करना चाहता हूँ मगर जो डिजाइन बनाई तो आपको इसमें वो अच्छी तरह दिख सके। फिर इसका स्किन कलर मैं ऑरेंज कलर कर देता हूँ, उसके माउथ फेस को भी मैं ऑरेंज कलर फिल कर देता हूँ। अब इसका फेस बनाने के लिए जो मैंने पहले उसके फेस हैंड में ऑरेंज कलर किया था वो मैंने फिर से इरेज करके आपको ओरिजिनल उनका फेस की जो लाइनिंग्स है वो आप सही तरह से देख सकें। ओके।